राधे राधे गुरुजी, दार्शनिक आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है। गुरुजी दो चार साल से आपसे पहली बार मुश्किल से आपको आज पर्सन बोलो बोलो। गुरुजी मेरा पर्सन ही है एक दासी, जैसे कि है ना आपका नाम भी किया, तिलक सारे किए उसने, लेकिन एकादशी के दिन उसके ही पति का एकादशी के दिन एक सेकंड के अंदर गुरुजी उनको स्वर्ग सिधार के जी। कौन? क्या दासी हमारे पति गुरुजी, तो इसका क्या उसी का सब ये बोलते हैं कि भैया तो लड्डू गोपाल भी ले रही है, तिलक भी लगावे है इसने, तो एकादशी के दिन ही इसका पति चला गया, इसका खोट है। तो मेरे अंदर ये उलझन थी गुरुजी, मैं सिर्फ आपके पास इसीलिए आई हूँ गुरुजी, मैंने इसका उत्तर मेरा पाप है क्या? मैंने नहीं, पाप नहीं है। जिसका टाइम जब पूरा होगा तभी ना जाएगा। तो एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वो तो भगवत धाम ही जाता है, परम गति है वो, उसको गुरु। अब जिसको जब जाना था तो वो तो चला गया, किसी की मृत्यु को थोड़ी कोई टाल सकता। अब यही सारे समाज में सुनना पड़ेगा जी, एकादशी के दिन ही गया जिस दिन मेरा। एकादशी के दिन जाना अच्छा है, लोग तड़पते हैं तरसते हैं कि हमारी मृत्यु एकादशी के दिन हो। मैं यही सोचती हूँ गुरुजी, क्या मेरा खोट था यो, मेरा मुझसे पाप हो गया हो, जिस तरह गुरुजी प्याज लहसुन भी घर में खाया जावे है, मजबूरी हो जावे। पाप तो अपनी जगह है पर तो या गुरुजी के वचन का मतलब पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने नहीं, वचन वचन सब पूरे हैं। बस देखो ये मृत्यु लोक है, बहुत सारे लोग रोज जाते हैं भगवान के घर, एक दिन अपने को भी चलना है, जाना तो है गुरुजी। फिर है ना जिस तरह मतलब पति भगवान के समान मानना है, एक दिन उस सुबह ही चला जाओ, फिर वो बताओ फिर क्या सजा देवे भगवान यो, किस चीज की। भाई कौशल्या माँ के पति दशरथ जी भी तो गए ना, तो कौशल्या जी को भी पति के बिना रहना पड़ा, पति के बाद बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं, तीन है जी, एक लड़का है, एक ही और गुरु जी, ये सिस्टर है छोटी। कितने साल हो गए विवाह के आपके? 18-19 साल हो गए गुरु जी। 18 साल, हाँ जी। आप ये सोचो कि शादी के साल दो साल बाद ही उनकी मृत्यु रही होगी, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके व्रत जप तप के बल पर भगवान ने उनके दो साल को की शादी के दो साल बाद जाना था, तो भगवान ने आपके पुण्य के बल पर 18 साल तक रोक के रखा। पिछले साल गुरुजी उसके कम से कम 10-12 एक्सीडेंट हुए थे गुरुजी, बिल्कुल इतने भयानक भयानक बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया था उनको? कहीं पे भी जिस तरह रोड पे एक्सीडेंट था, अभी भी रोड पे एक्सीडेंट होया गुरुजी उनको, एक्सीडेंट हो गया था। बस 2 मिनट पहले ओटीपी आया था उनका, तो 5 मिनट के बाद उनका पता लग गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तभी 2 सेकंड के अंदर उनका वहीं पे ही हो गया था गुरुजी पूरा शरीर। कोई बात नहीं, आपके पति जितने साल थे उतना साल नहीं होना था उनको, अर्थात पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती तो क्या करते, इसलिए जो समय उन्होंने दिया ये भगवान की आपकी भक्ति के बल पर ही दिया, इसलिए जितना मिला है उस समय का लाभ लो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। अब ठीक है, आप अपना जो आप चाहो आगे भविष्य भगवत चरणों में समर्पण वो कर लो। ठीक है, एक छोटा गुरुजी, मैं ना आप घर पे गाय रखना चाहती हूँ, लेकिन घर पे ना यही बोलते हैं जब भी गाय ले ना तभी बीमार हो जाती है वो बार बार, तो भी तो क्यों पाप करे करे बार बार गाय ले हुए है तो बीमार हो जावे वो, तो इस तरह अच्छा नहीं। देसी गाय लीजिएगा, देसी गाय बीमार नहीं होती जल्दी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया, मेरे आपसे मिलने की बहुत सालों से तमन्ना थी, और आपसे गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ गुरुजी मैं। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जन्म के दाता मात पिता हैं आप, कर्म के दाता हो आप, मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग विदाता हो। बोलो मेरे गुरुजी अनुत्तराचार्य जी महाराज की जय। गुरुजी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप पूरा कर सकते हो बस दो शब्द की। गुरुजी मेरे पापा शराब बहुत पीते हैं, मांस मरीदे का भी सेवन करते हैं, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ, मैं तो पेड़ वेजिटेबल हूँ गुरुजी, और ठाकुर जी की भक्ति भी करता हूँ और आपकी भी गुरुजी, तो पापा को मैं कैसे अपनी राह पर लेके आऊँ? आए हैं पापा? पापा आई नहीं है गुरुजी, सावन के महीने में आने की बोल रहे हैं पापा, जब भी लेके आऊँगा। तो क्या किस राह पर चल रहे हैं? शराब वगैरह पीते हैं, कभी कभी मांस का भी सेवन करते हैं। उनको ले आना, हम समझाएंगे, जब आएंगे तभी समझा पाएंगे, तो आपको समझाने से उनको समझ में नहीं आएगा। गुरुजी आप श्रीमन नारायण की दो लाइन सुना दो मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके मुँह सुनना।
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। राधे राधे गुरु जी, मैं आपसे मिलके बहुत धन्य हो गया, आपसे मिलके खुश हूँ।